दिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। काफी कोशिशों के बाद जब पुलिस ने चोरी का जुर्म दर्ज नहीं किया तो एकनाथ राव खड़से ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने धारा 156(3) के तहत आदेश जारी करते हुए पुलिस को खड़से द्वारा की गई शिकायत जैसी है वैसी ही दर्ज करने का आदेश दिया। दूध संघाच्या वतीने 156(3) CRPC प्रमाणे पोलिसांनी FIR नोंद करावा, गुन्हा नोंद करावा आणि दूध संघामध्ये 2 ऑक्टोबरला जी तथाकथित चुकीची एंट्री करून बटर आणि दूध दुधाची भुकटे चोरीचा जो काही प्रकार घडला आहे त्या बाबतीमध्ये FIR लॉज होऊन चोरीची इन्व्हेस्टिगेशन व्हावी म्हणून 156(3) प्रमाणेच्या मागणीप्रमाणे आम्ही गुन्हा दाखल करावा तसे निर्देश सिटी पोलीस स्टेशनला द्यावे अशी कोर्टाकडे मागणी केली होती। कोर्टाने सगळे कागदपत्र तपासून आमचा युक्तिवाद ऐकून त्याच्यामध्ये 156(3) प्रमाणेची आमची जी मागणी होती ती आज कोर्टाने मंजूर करून आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंद करून त्याची चौकशी करावी, सखोल चौकशी करावी असे आदेश त्याच्यामध्ये आज पारित केले। दरअसल जलगांव के दूध संघ में मक्खन और घी की चोरी हुई जिसकी जांच पड़ताल करते हुए दूध संघ के चेयरमैन ने सच्चाई का पता लगाया और कुछ लोगों को निलंबित तो किया, साथ ही उनके खिलाफ चोरी की FIR करने के भी प्रयास किए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आनाकानी करते हुए FIR लेने से ही मना कर दिया और इस वजह से एकनाथ राव खड़से ने पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन भी किया। वह एक पूरी रात पुलिस स्टेशन के बाहर ही सो रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने जब कोई सुनवाई नहीं की तो खड़से ने न्यायालय की शरण और अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस केस दर्ज कर ही लेगी। जळगाव जिल्हा दूध उत्पादक संघामध्ये झालेला सुमारे 1.5 कोटी रुपयाचा चोरीची फिर्याद दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी टाळाटाळ केली, त्याच्या विरुद्ध आम्ही ठिय्या आंदोलन केलं तरीही पोलिसांनी गुन्हा नोंद करण्यास नकार दिला। याच्या विरुद्ध आम्ही शेवटी न्यायालयामध्ये गेलो आणि आज न्यायालयाने 156(3) खाली पोलिसांनी हा गुन्हा ताबडतोब नोंद करावा अशा स्वरूपाचे आदेश निर्गमित केले। या प्रकरणावरून असं लक्षात येत आहे की पोलीस किती राजकीय दबावामुळे या ठिकाणी काम करत आहे। मग आमच्यासारख्याला या ठिकाणी 3 दिवस आंदोलन करून न्याय मिळत नसेल तर सर्वसामान्य माणसाची काय अवस्था आहे। मागच्याही कालखंडामध्ये प्रशासक मंडळ या ठिकाणी नेमण्यात आलं बेकायदेशीरित्या राजकीय दबावामुळे आणि शेवटी हायकोर्टामध्ये गेल्यानंतर ते प्रशासकीय मंडळ रद्द करावं लागलं आणि परत जुनी पूर्वरथवाडी या ठिकाणी आली। वारंवार दूध संघामध्ये अशा स्वरूपाचे छळवणुकीचे प्रकार होत आहे, शासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी त्रास देण्याचा प्रयत्न होतो आहे। पोलीस प्रशासन दबावाखाली काम करत आहे पण या प्रकरणामध्ये पोलीस प्रशासनाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे धुळीला मिळालेली आहे। इस बात पर एकनाथराव खड़से ने कहा कि आखिरकार पुलिस को नहीं लेकिन कोर्ट को हमारी बात समझ में आ चुकी है और कोर्ट ने चोरी की शिकायत दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। आने वाले दिनों में पुलिस और जांच करेगी और आगे की कार्यवाही भी होगी। आपको बता दें कि 40 गांव के विधायक मंगेश चौहान की शिकायत पर रविवार रात को ही पुलिस ने केस दर्ज किया है जिसमें मामला गबन का बताया जा रहा है। अब देखना है कि पुलिस इसमें क्या जांच करती है और सच्चाई क्या निकलती है। जलगांव से जक्की अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। जळगावची नवी ओळख वस्त्र नगरी, घटस्थापने पासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।